पंचदशी थ्री। तो साधना का मतलब हमने समझा था कि सर वो करता हूं मैं, वो जो अश्विनी मुद्रा आपने सिखाई थी ना, हाँ वो 25-30 मिनट की है सर, वो कई हाँ। बार करता हूँ जैसे, मतलब वो बड़ी इफेक्टिव है सर। बड़ी इफेक्टिव है, हाँ हाँ। इफेक्टिव ऐसे है सर वो, जैसे मतलब एक तो टाइम कंज्यूमिंग कम है और इफेक्टिव ज्यादा है सर, जैसे मतलब होता है ना, और उसमें माइंड भी कम इधर उधर भागता है जैसे, क्योंकि जैसे करते रहो तो थोड़ा सा मतलब जो है ना, मतलब थोड़ी देर में ज्यादा इफेक्ट हो। ये देखो, जब भी कोई साधक बोलता है तो टीचर समझता है कि उसकी चेतना कहाँ है, तो वो प्रैक्टिस जो बड़ी इफेक्टिव है, तुम्हारा मन कह रहा है, तुम्हारा सर, मन जुड़ रहा है क्या प्रैक्टिस से, ये भी गलत है? नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, पर मन जो जुड़ रहा है उसके पीछे एक कारण है। शरीर के स्तर पे जो भी प्रैक्टिस है उससे मन जुड़ता है और उसको मन कहता है, तो फायदा तो होगा ही, साधना तो ऐसे ही चलती है। पर पता ये लग रहा है कि मन जो है वो संस्कार जो हमारे नीचे हैं वो बहुत ज्यादा है, उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। मन जब स्थिरता शांति का अनुभव तो गहराई में मन के अंदर होता है, पर मन एकदम भागता है शरीर के स्तर पे, तो ये बड़ी पेचीदगी है, इसको हम धीरे धीरे समझेंगे। पर साधना का मतलब ये है कि कोई भी अभ्यास है, कोई भी प्रैक्टिस है, उसका परिणाम आता है, उसका नतीजा मिलता है, उससे हमारे अनुभव बदलते, तो यही अनुभव बदलते बदलते ये जो एक्टिव प्रैक्टिस है वो पैसिव प्रैक्टिस में बदल जाएगी। तो जब तक एक्टिव प्रैक्टिस पर मन लगा रहता है तो वो अभी सांसारिक मन से तो बहुत ऊपर, पर आध्यात्मिक उत्थान की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अभी समय है कि वो स्थिति आए जिसमें कि कोई भी एक्टिव प्रैक्टिस ना हो और मन एकदम विवेकपूर्ण हो जाए और उसको अनुभव लगने लगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। हमने समझी थी साधना का मतलब ये है कि चेतना की दिशा दो चीजें, एक तो नेगेशन और तो मन कहां, मन उन सब को प्रेम पूर्वक बिना किसी प्रेशर के उन सब चीजों को छोड़ता जा रहा है जो मैं नहीं हूं, एक बात, और उसके साथ साथ वहां जा रहा है जो मैं हूं। तो ये धीरे धीरे पेचीदगी जो है सरलता में बदल जाती है, तो सरलता में बदल जाती है जैसे कि देखो ज्ञान की बात, देखो तुम शादीशुदा हो, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, तुम कहते हो हाँ हूं, कोई प्रैक्टिस करने के बाद पता लगेगा कि तुम शादीशुदा, दो बच्चे हैं, प्रैक्टिस करोगे तब पता लगेगा कि हाँ दो हैं या तीन हैं या एक भी नहीं। देखो
ज्ञान, विवेक, समझ। तो सारी कहानी जो है वो इस समझ की है। तो ये पंचदशी की जो बात हम कर रहे हैं वो पहले पांच जो चैप्टर है वो इसी सत की तरफ इशारा करती है। सारे शास्त्र हमारे इशारा करने वाले हैं, पॉइंटर्स, माइलस्टोन। कहीं बोर्ड लगा देखते हो जी, सफदरजंग एनक्लेव, दिल्ली, आगरा, माइलस्टोन। अब ऐसा तो है नहीं कि कार जहाँ पे माइलस्टोन लिखा हुआ है आगरा, तो वहाँ पे रुकते हो और उस माइलस्टोन को उखाड़ के ले जाते हो, ऐसा है नहीं। ये समझना ही नहीं। अरे हाँ, आ गया आगरा, देखो क्या आ गया, ज्ञान आ गया। किसको पता लगता है? अपने आप पता लगता है, अपने अंदर गहराई से पता लगता है कि शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, आनंद है। ये देखो, ये पता लगता है, ये होता है समझ, ज्ञान। अब ज्ञान किसका लेते हैं हम? साइंस का? नहीं, साइंस का ज्ञान क्या लेके करेंगे? लेना है और उसको इस्तेमाल करना है अपनी साधना में, तब साधना आगे बढ़ती है। बिना समझ के साधना कभी आगे नहीं बढ़ती। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि डायबिटीज है, क्या करना चाहिए? सर मेरे को पता है, मत्स्यन राशन करना चाहिए, भस्त्रिका करनी चाहिए। कब? भाई तब तुम्हें पता ही है तो करो ना। तो सर 10 राउंड करेगा ना? 10 राउंड क्यों करो, 100 राउंड करो, नाक भी खत्म हो जाएगी। अरे साधना का मतलब ये थोड़ा है। तो साधना, कबीरदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं धीरे धीरे और पेशेंस, धैर्य के साथ। धीरे धीरे, धैर्य के साथ, बड़ी पते की बात है। धीरे धीरे, धैर्य के साथ साधना करनी चाहिए। और फिर एकदम ऐसा उदाहरण देते हैं कि ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है। कहते हैं बीज को आज लगा दो और 100 घड़ा पानी दे दो तो एक दिन में पेड़ हो जाएगा, बीज ही गल जाएगा। एक बीज बोया और हमने कहा नहीं पे पानी देना जरूरी है, जरूरी है, पेड़ बन जाएगा, हो जाएगा। तो आज बीज लगाया जमीन में और 100 गैलन पानी भर दिया उसमें, ना तो बीज का पता ना पेड़ का पता। तो क्या इशारा है साधना में? धीरे धीरे। धीरे धीरे का क्या मतलब है? समझ के साथ 100% माइंड अवेलेबल है, अवेयर है, अटेंटिव है, जानना चाहता है, तैयार है। ऐसी स्थिति, जानना चाहता है, तैयार है, यात्रा करना चाहता है, किसके लिए? शांति के लिए, प्रेम के लिए, ज्ञान के लिए। कहाँ है ज्ञान? हमारे अंदर। प्रेम कहाँ है? हमारे अंदर। शांति कहाँ है? हमारे अंदर। तैयारी हो गई। अब दूसरी बात कहते हैं धैर्य के साथ। हम कई बार ये सोचते हैं कि एक दिन में सब कुछ खत्म हो जाए, नहीं होगा। वही 100 घड़े वाली बात। तो 100 घड़े, 100 गैलन पानी हम डाल दें तो बीज तो बनेगा, बीज तो पेड़ नहीं बनेगा। वही बात है साधना में भी धैर्य। जहां जिस सिद्धांत को बताया उस पर मनन करते जाना, करते जाना, रिफ्लेक्शन, जितना हम मनन करते हैं वो ध्यान की प्रक्रिया हो जाती है। एक टाइम आएगा नहीं, करने को कुछ नहीं है, जानने को ही है। देखा, समझा, जान लिया।
देखा समझा और जानना एक साथ हो जाएंगे. अवेयरनेस नॉलेज और एक्सपीरियंस. देखो तुम कौन हो समीर हूँ. अवेयरनेस भी है नॉलेज भी है एक्सपीरियंस भी है. शादीशुदा हूँ अवेयरनेस भी है नॉलेज भी है एक्सपीरियंस हूँ. मैं शांति हूँ. क्या तुम शांति हो. तो ये अंदर से तरंग उठे जिसमें कि हम अवेयर हैं नॉलेज है कि है मैं शांति हूँ और अनुभव भी हो रहा है. ध्यान की अंतिम सीढ़ी यहां से यात्रा शुरू होती है जिसको हम कहते हैं जागृत हो गया व्यक्ति. अवेकनिंग हो गई रियलाइजेशन होने लगा. हाँ तो इसमें हमारे महाराज जी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं. शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्रा जागरे पृथक ततो विभक्ता तत्संवित एक रूप्यान्य भिद्यति एक रूपात कह सकते हैं एक रूपात भिद्यति. अब ये महाराज जी हमें ये कहते हैं कि जागृत अवस्था में वेकिंग स्टेट में अभी हम जाग के ही तो बात कर रहे हैं. ये जागृत अवस्था है तो जागृत अवस्था में हमें अनुभव आता है हमें ज्ञान मिलता है हम अवेयर हो जाते हैं. किसके प्रति. असंख्य चीजों के प्रति. वो असंख्य चीजों को कौन कौन है. वो व्यक्ति हो सकते हैं जीवित और मृत हो सकते हैं. प्लेस यानी देश हो सकता है स्थान हो सकता है टाइम हो सकता है कोई इवेंट हो सकता. इतने सारे हैं और इतने सारे जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं. भाई राइट साइड की दीवार लेफ्ट साइड की दीवार से अलग है. देखो समीर का शरीर मेरे शरीर से अलग है. और ज्ञान जागृत अवस्था में मिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस चीजों का होता. मैं जैसे इसी कमरे में बैठा हूं तो बल्ब है प्रकाश का लाइट बल्ब का स्टैंड है दीवार है मॉनिटर है स्पेस है टेबल है चेयर है स्मार्टफोन है. देखते जाते इतने सारी असंख्य चीजों का ज्ञान हो रहा है. असंख्य चीजें बाहर हैं. देखो असंख्य चीजें असंख्य चीजें. देख रहे हो असंख्य चीजें असंख्य चीजें. इसी में साधना हो जाएगी. देख हम खाली अवेयर हैं. अरे इतनी सारी चीजें देख रहे हैं. तो कहते हैं शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्या वैचित्र्या जागरे वैचित्र्या. कहते हैं इतनी सारी चीजें हम ज्ञान हो रहा है हम ज्ञान में हैं. ये इधर विंडो है इधर भी विंडो है इधर दीवार कंप्यूटर तुम मैं वर्चुअली यूट्यूब व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है. इतनी सारी चीजें ज्ञान कैसे हो रहा है सर. नहीं जानने का मतलब ज्ञान है. तुम मुझे देख रहे हो तुम जानते हो कि मैं हूं तो ज्ञान है एक्सपीरियंस है अवेयरनेस है. तुम लैपटॉप को देख रहे हो ना तो तुम्हें ज्ञान तो है कि लैपटॉप को देख रहे हो. तभी तो तुम कह रहे हो लैपटॉप को देख रहा हूं. तुम शादीशुदा हो तो अरे तुम्हें ज्ञान है तभी तो तुम कह रहे हो शादीशुदा हो. इसी को तो ज्ञान कहते हैं. ज्ञान देखो ज्ञान हो रहा है ना हमें ज्ञान हो रहा है. अनुभव ज्ञान कहो अनुभव कहो अवेयर को एक ही बात है. इतनी सारी चीजों का आश्चर्य नहीं हो रहा हमें. देखो खाली मैं ही हूं जो कि मैं एक हूं और बाहर इतनी सारी चीजें सबका ज्ञान हो रहा है वेकिंग स्टेट में.
परो इतना भी ज्ञान हो रहा है कि अभी रात है तुम्हारे यहाँ, इतना भी ज्ञान हो रहा है कि मेरे यहाँ सुबह है। देखो उस ज्ञान को होने के लिए कुछ करना थोड़ा है। हो रहा है पता है? तुम्हारे यहाँ रात, मेरे यहाँ दिन। देखो तो वही कहते हैं कि इतना सारा इन द वेकिंग स्टेट, इस जागृत अवस्था में हमें पहला ज्ञान क्या हो रहा है? पहला ज्ञान हो रहा है कि असंख्य चीजें, ठीक है, और दूसरा ज्ञान हो रहा है कि ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग हैं, इसका भी ज्ञान हो रहा है। कविता मेरे से अलग है, इसका भी तो ज्ञान हो रहा है। देखो टीवी स्क्रीन मेरे से अलग है, ये कंप्यूटर है, ये मैं हूं, कंप्यूटर में मैं देख तो रहा हूं पर मैं यहां हूं, कंप्यूटर में मेरी इमेज आ रही है, देखो सबका ज्ञान हो रहा है। पर ये ज्ञान क्या है कि ये ज्ञान हो रहा है कि जितनी भी चीजें हैं वो ये मुझे पता लग रही हैं कि अलग हैं एक दूसरे से, है? देखो ना ये पता लग रही हैं कि ये अलग हैं, और ये भी पता लग रही हैं कि ये मिलियंस हैं। देख रहे हो? देख रहे हो? तो वो कौन व्यक्ति है, वो कौन सी चीज है? हु सीज द डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? वो कौन सी ऐसी चीज मेरे अंदर है जो ये डिफरेंसेस को भी देख रही है? हु सीज द डिफरेंसेस इन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक बात, और हु सीज देयर आर मैनी, और आई वुड से मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? बड़ी गहरी साधना की प्रक्रिया। आप कह रहे हो भाई वो कौन सी चीज है जो इन सब चीजों के प्रति अवेयर हो रही है? हाँ, सामने चेयर पड़ी है, टेबल पड़ी है, आप देख रहे हो मैं सब चीजों से अलग हूं। कौन सी चीज है जो सबकी अवेयरनेस को पैदा कर रही है? दो बातें, एक तो ये बात, और उससे भी आश्चर्य की बात ये है भाई कि वो जो अंदर देख रही है मिलियंस ऑफ चीजों को अभी इसी समय, तुम अवेयर हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, मिलियंस ऑफ चीजों को देख रही है, उसके डिफरेंसेस को देख रही है, क्या वो एक है या दो है? देखने वाला क्या एक है या दो है? एक ही है सर। उसी की खोज अध्यात्म की यात्रा है। ये देखो, ये गहराई से ये बात समझनी है। अब इसको मुझे ये समझने के लिए कि वो एक ही है क्या प्रैक्टिस करनी है? समझनी है, समझना है खाली, अवेयर होना, और जैसे ही तुम अवेयर हो जाओगे तो ध्यान में पहुंच गए। ये देख, देखो आँख खुली है अभी भी, साधना में हो, सुनते सुनते अवेयर हो रहे हो, अरे इतनी सारी चीजें हैं। तो इतनी सारी चीजों को देखने के लिए हमारी अवस्था क्या होनी चाहिए? अवस्था होनी चाहिए वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, हम जागे हुए हैं, तभी तो हम इतनी सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज होनी चाहिए कि हमारा असंख्य चीजें हो संसार में, वो है ही, हमने पैदा नहीं की, वो है ही, तो जागृत अवस्था हो गई, और इन ये असंख्य चीजें सामने हैं, तो अब हम जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़े? ये समीर की इमेज आ रही है मेरे टीवी स्क्रीन पर, कैम मॉनिटर पर, मॉनिटर है, लाइट है, बल्ब है, पर्दा है, टेबल है, ये देखो,
कंडीशन हो गई, दोनों मीट हो गई, वेकिंग स्टेट है, असंख्य चीजें हैं और मैं जान रहा हूं। ये सोने की बात नहीं है, इसीलिए ध्यान को कहते हैं कि ध्यान जो है वो जागना है, उस गहरी नींद से जागना है। वो गहरी नींद क्या है? अविद्या है। और अविद्या क्या है? इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस क्या है? इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ हु एम आई, मैं ये असंख्य चीजें नहीं हूं। क्या मुझे ये बात समझ में आती है? क्या ये अवेयरनेस है? क्या ये नॉलेज है? क्या ये एक्सपीरियंस है? साधना आगे बढ़ती है। अब इसको हम प्रश्न के रूप में देखते हैं और तब हम उत्तर खोजते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट इज वेकिंग स्टेट? क्योंकि ये कंडीशन है असंख्य चीजों को देखने के लिए। देखो, तो जब मेरा मन शरीर से अटैच होता है तब बाहर के संस्कार, बाहर का संसार जन्म लेता है। जब तक मेरा मन शरीर से नहीं जुड़ेगा तब तक बाहर के संसार के बारे में मुझे पता नहीं लगेगा। यह ऋषियों ने, देखो गुरुओं ने, संतों ने क्या पते की बात समझाई बुद्धि से। ये बुद्धि योग है, इसी बुद्धि योग को सांख्य योग कहते हैं, इसी बुद्धि योग को ज्ञान योग कहते हैं। है, गीता ने, गीता में कृष्ण ने पहले ही इस बात को पकड़ा है, ज्ञान योग। तो ध्यान करते 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 सारी हाथ पैर घुमा के सांस लेना छोड़ना, मंत्र उच्चारण करना, करते 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 हम इस अवस्था में आते हैं कि अब कुछ करना नहीं, अब जानना है। ध्यान, तो ध्यान उसी समय लग जाता है। इतना समझना है। अब समझ क्या है? समझ क्लियर है कि असंख्य चीजें हैं बाहर। तुम्हारे जिस कमरे में तुम बैठे हो उसमें भी हजारों चीजें, मगर बारीकी से देखना शुरू करो। देखो, और हर एक एक चीज दूसरी चीज से अलग है। देखो, अरे दाएं हाथ, दाएं तरफ की दीवार बाईं तरफ की दीवार से अलग है, छत और फर्श अलग है, देखो बेड अलग है, टी शर्ट पहनी है वो अलग है। एक नहीं, एक चीज टी शर्ट दीवार से अलग है ना, ये हम जान रहे हैं ना। टी शर्ट मेरे शरीर से भी अलग है, टी शर्ट मेरे शरीर से भी अलग है, बिल्कुल सही। मैं बैठ के बैठा हूँ, हाँ, मैं मतलब सोफे पे बैठा हूँ, सोफा भी मुझसे अलग है। हाँ, सोफा भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही बात की। अब देखो, ध्यान से सजग हो जाओ। अब सजगता में हमने दो बातें निकाली, एक तो डिफरेंस निकाला और एक असंख्य चीजें। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका हमें अनुभव होता है वेकिंग स्टेट में, एक बात, और ये एक दूसरे से अलग हैं, दूसरी बात। पर अब क्वेश्चन यह उठता है कि आखिर इसको जानने वाला कौन है? कौन जान रहा है कि असंख्य चीजें हैं? कौन जान रहा है कि ये एक दूसरे से अलग है? नॉर्मल क्वेश्चन उठता है। देखो गहराई से देखो, तो उसको जानने के लिए हमने पहले ये जाना कि ये सब घटना घटती है वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था। हाउ द वेकिंग स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रीमिंग एंड द स्लीपिंग। नींद में तो पता ही नहीं लगता कुछ, ना तो शरीर का, ना मन का, ना असंख्य चीजों का। देखो, पर मैं होता हूं उसमें, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं, मैं तो हूं वहां, पर मुझे पता नहीं लगता। तो मुझे असंख्य चीजों का पता कहां लगता है? वेकिंग स्टेट में, और थोड़ा बहुत ड्रीम स्टेट में। क्लियर? हु नोज ऑल द थ्री स्टेट्स? इज द नोअर डिफरेंट और द सेम? अब ये खोज करनी है, ये समझ लानी है, ये समझना है।
कि भाई ये स्लीपिंग में मैं हूं, ऐसा तो है नहीं कि स्लीपिंग में अगर मैं नहीं हूं तो फिर वेकिंग कभी होगी ही नहीं। कौन जागेगा? मैं ही जागूंगा ना, मैं ही सोता हूं ना, मैं ही सपने देखता हूं, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर है ना, मैं कॉमन है ना। मुझे ये तो पता ही नहीं होता कि मैं हूं भी या नहीं हूं, जब स्लीपिंग स्टेट होती है। हाँ हाँ, स्लीपिंग स्टेट में मुझे ये पता नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं, मुझे उसका पता लगता है कि जब मैं जाग जाता हूं, जागने के बाद मुझे पता लगता है कि मैं गहरी नींद में सोया। तो इसका मतलब, हाँ तो इसका मतलब कोई कोई है गहरी नींद में जिसका मुझे पता नहीं है पर उसको पता है कि गहरी नींद में सोया। ये देखो यार, सर कोई है, कोई तो है ना है? कि मैं गहरी नींद में सोई। हाँ ये वैसा ही है जैसे कि बीबी ये कहे कि रात में तुम किसी दूसरे के साथ सोए। ये रात में लोग कहते हैं खराटे मार रहे थे, वो कहता है मैंने तो मारे ही नहीं, हमारे नहीं। खराटे मारते हैं। बीवी सपने में ये देखे और उठ के ये कहे कि आप रात में किसके साथ सोए थे, किसी और के साथ सोए थे, वही मैंने देखा, अब उसी को सच मान ले। तो मुसीबत। तो देखो नींद में हमें मन नहीं रहता, इसीलिए हमें पता नहीं लगता। अब उसका उत्तर हम दे रहे हैं, मन का हमें पता ही नहीं है तो मन ही तो जानेगा। गहरी नींद है पर उस समय मन नहीं है, मन सोया हुआ है। लेकिन सर कई बार ऐसा होता है कि आदमी जब उठता है तो उसे याद आता है वो ये सपना देख रहा था, तो वो सपना हो गया ना, नींद और सपना तो अलग है। इसीलिए तो तीन अवस्थाएं बताई गई ना, वेकिंग स्टेट। और भी खूबी देखो सपने में, सपने में तुम बड़े आराम से, तुम्हारा शरीर मस्ती में सोया हुआ है और सपने में एक दूसरा शरीर दौड़ रहा है, शेर का पीछा कर रहा है, तुम्हारा शरीर तो सोया हुआ। ये देखो ये गहराई से, तो इसका मतलब जो है मेन बात यहां पे क्या पकड़नी है कि वेकिंग में, ड्रीम में, स्लीप में, तीनों में मैं रहता है पर वेकिंग स्टेट में हमें पता लगता है कि असंख्य चीजें हैं और ये चीजें एक दूसरे से अलग है। समझ आ गई? क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये तीनों वेकिंग, स्लीप और ड्रीम को कौन जानता है, उसी को तो खोजना है। अब एक और स्टेप पे आगे हम चलते हैं। मैं नींद में होता हूं पर नींद में मुझे पेन, प्लेजर, विक्ट्री, डिफीट, पैसा, गरीबी, अमीरी, बच्चे ना बच्चे, बीवी ना बीवी, इन सब का कुछ पता नहीं लगता। मुझे ये सब चीजें पता लगती हैं जबकि मैं वेकिंग स्टेट में रहता हूं। क्लियर? तो जब ये मुझे वेकिंग स्टेट में पता लगती हैं कि मैं वहां भी मैं रहता, वो मैं एक ही है, जो नींद में मैं है वो भी एक ही है, जो ड्रीम में मैं है वो भी एक ही, ये तीनों मैं एक ही हैं, वो मैं है क्या, वो कौन है, वो क्या है, वो कौन है, उसको कैसे जाना जाए, इस तीनों का मतलब है साधना, इन तीनों का मतलब है ध्यान, तीनों को जानने का जो प्रक्रिया है वो ध्यान है। समझे? और कुछ नहीं, मेरे को भी 40वें साल में समझ पाई इतनी गहरी। इंफॉर्मेशन थी पर अनुभव बाद में हुआ। अब और गहरी चलते हैं। क्या मैं वेकिंग स्टेट हूं? नहीं हूं।
क्योंकि अगर मैं खाली कहता हूँ कि वेकिंग स्टेट हूँ और स्लीप स्टेट तो डिफरेंट है वेकिंग से, पर स्लीप में भी मैं रहता हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं वेकिंग स्टेट हूँ, मैं स्लीप स्टेट हूँ, ये भी नहीं कह सकता। अगर मैं ये कहूँगा स्लीप स्टेट हूँ तो राम नाम सत हो गया, उसके बाद उठना नहीं, उठना ही नहीं, खत्म। सोचो, समझो, और मैं ड्रीम ले रहा हूं तो इसका मतलब ड्रीम स्टेट जो है वो वेकिंग और यानी जागृत अवस्था को और निद्रा को नहीं जान सकती। जागृत अवस्था जो है वो निद्रा और सपने की स्टेट को नहीं जान सकती, घुस ही नहीं सकती। अब स्लीप स्टेट में तुम जागते रहो, इसका मतलब तुम जागे हुए हो, सोए तो नहीं हुए, नहीं, या तो तुम सोए हुए हो या जागे हुए हो, क्लियर। पर मैं बना रहता है, ये फिर बात देखना है। तो हम तीनों अवस्थाओं को मैं नहीं कह सकते। तो वेकिंग स्टेट में पेन प्लेजर होता है तो होता है, मन को मेरे को तो होता नहीं, मैं मस्त हूं, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? देखो, अब और आगे बढ़ें कि आखिर ये मुझे कैसे पता लगता है कि आंख तो देखने वाली जो है वो एक ही है, पर चीजें बाहर असंख्य हैं। देखो जरा, अवेयर हो जाओ, आंख तो एक ही है। अब ये आंख मेरी दीवार को देख रही है तो आंख डिमांड थोड़ा करती है, अच्छा रुक जाओ, मैं अपनी आंख अपने को मैं सफेद कलर में करता हूं फिर मैं दीवार को देखूंगा, ऐसा तो नहीं। जैसा है वैसा आंख देखती, शेप साइज नाम रूप देखो, आंख काली थोड़ा हो जाती है काली काले को देखने के लिए। हाँ, आंख नारंगी थोड़ा हो जाती है नारंगी को देखने के लिए, आंख तो वहीं की वहीं रहती। ध्यान दो, देखो, तो विजन देखने वाला जो है वो एक ही है, वो नहीं बदल रहा, और दिखाई देने वाला सब कुछ अलग अलग है। कितनी बड़ी आंख, कितना बड़ा, कितनी गहरी समझ आ गई हमें, जागृत हो गए हम। ये इसको कहते हैं अब जागना, अब साधना में पहुंचे। तो उसी तरह से कान, कान एक ही है, उसका काम है सुनना। तुम गाली सुनाओ या भजन सुनाओ, तुम डिस्कोर्स सुनाओ या डिस्को सुनाओ, सुनना तो एक ही है, सुनना नहीं बदलता। और कितना बड़ा आश्चर्य, ये इशारा है कि इंद्रियां जो हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, वो एक ही हैं और असंख्य चीजों को देखती हैं, उसमें डिफरेंसेस देखती हैं, उसके बाद भी वो एक है, कोई कंप्लेंट नहीं। तो वो एक है कौन, जो हमारे कान से सुनता है, जो हमारी आंख से देखता है, जो हमारी स्वाद से स्वाद लेता है, कौन भला है? इसकी खोज का ही नाम है साधना। कौन देखने वाला, कौन सुनने वाला है असंख्य चीजों को, कौन देखने वाला है हजारों तरह के कलर, कौन देखने वाला है इंद्रधनुष के सतरंगी, कौन देखने वाला है जो ये कहता है कि ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेवा है। बीवी का जबरदस्ती अगर मैस्कुलिन करो तो बेवा हो गया, कौन देखने वाला है? क्या ये मिस्ट्री नहीं है बहुत बड़ी, जिसको हम डेली देखते हैं और उसके बाद भी हम इस बारे में मनन नहीं करते, हम ये जानना ही नहीं चाहते ये देखने वाला मेरे अंदर बैठा कौन?
जब हम ये नहीं जानते ना कोशिश करते हैं तो आदमी का मन बाहर ही भागता है, उस डिफरेंसेस में भागता है। डिफरेंसेस में भागते भागते चिंतन शुरू हो जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये ऊंचा है ये नीचा है, ये दुख है ये सुख है, फंस गए, फंसा। और फंसने के बाद निकलना बड़ा मुश्किल। और एक बार अगर निकल गया तो हमेशा ही निकला हुआ बन, एक बार समझ आ जाए, एक बार ध्यान की वो स्थिति आ जाए, निकला हुआ, फिर तो मौज में हम बात करेंगे और गहरे जाने के लिए। वैचित्र्या क्या है? वैचित्र्या जागरे पृथक। जागृत अवस्था में ये जो विचित्रता है, डिफरेंसेस हैं, मुझे दिखाई देती है और देखने वाला एक ही है, पर इसका नहीं मुझे पता कि ये एक कौन है। व्हाट इज दैट वन रियलिटी? और ऐसा लगता है कि वो मन के ऊपर है, मन के बाहर है, मन के पीछे। तो गुरु लोग बताते हैं बाद में कि ये सब्जेक्टिव जो रियलिटी है, पीछे जो मैं है, खाली मैं, आई एम, वो मैं जो है सबसे पीछे, सबके पीछे, वो जो मैं है उसको जानने का नाम ही साधना है। बार बार हमने पहले पढ़ा था, समझा था, प्रैक्टिस भी की, सेल्फ डिस्कवरी, हु एम आई। अब हम डायरेक्ट अप्रोच में जा रहे हैं ध्यान की। तो इसको जब सुनोगे, सुनते भी रहो और देखते भी रहो। देखना का मतलब ज्ञान, देखने का मतलब सब चीजों से जुड़ा हुआ, देखना, सुनना, स्वाद लेना, सब कुछ उसी से। वो क्यों? क्योंकि सेंस ऑर्गन कहलाती है। सेंस ऑर्गन का इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान के यंत्र हैं, इसीलिए उनको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान के यंत्र, ज्ञानेंद्रियां। तो आर वी ऑन ए जर्नी टू सेल्फ डिस्कवरी और डिस्कवरी ऑफ द नॉन सेल्फ? अब दो बातें आती। इतना क्लियर हो गया कि जो बाहर असंख्य चीजें हैं, क्या मैं वो हूं? नहीं हूं। क्या मैं लैपटॉप हूं? नहीं हूं। दीवार हूं? नहीं हूं। अपनी पिक्चर हूं? नहीं हूं। देखो, अपनी पिक्चर में देख रहा हूं, पर मैं ये जान रहा हूं कि ये पिक्चर मैं नहीं हूं। देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से अवेयर हो जाओ। एकदम ध्यान दोगे तो एकदम अवेयर हो गए, तुम ध्यान में पहुंच गए, आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दो बातें हो गई, एक तो सेल्फ हो गया, जो मैं हूं उसको नहीं जानता मैं, नॉन सेल्फ, संसार की सारी और सारी चीजें एक्सेप्ट मी, वो नॉन सेल्फ में आ गई, दो कैटेगरी हो गई। अब हमें खाली अवेयर होना है। क्या अवेयर होना है? जो मैं जानता हूं। क्या मैं जानता हूं? जो मैं नहीं हूं। मैं क्या नहीं हूं? मैं दीवार नहीं हूं, मैं ये पंखे का शोर नहीं हूं, मैं लैपटॉप नहीं हूं, मैं बेड नहीं हूं, मैं सोफा नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं। बस अवेयर होना है। तुम कैसे जानते हो ये पड़ोसी का घर तुम्हारा नहीं है? जानता हूं जी, बस मैं आगे बोलने की क्या जरूरत है, जानता हूं। तुम कहोगे कि नहीं, उसका नंबर 15 है और मेरा 16 है, तो ठीक है। 15 का मतलब क्या हुआ कि जो मैं नहीं हूं खोजो। तो साधना क्या होगी कि मुझे अपने मन को ही, समझ को, अवेयरनेस को, एक्सपीरियंस को जागृत रखना पड़ेगा कि जो मैं नहीं हूं उसके प्रति, हाँ, उसके प्रति जागृत रहना पड़ेगा जो मैं नहीं हूं 24 घंटे। जब मैं उसके प्रति जागृत रहता हूं जो मैं नहीं हूं, तो जो मैं हूं अपने आप ही फूल की तरह खिलने लगेगा। बस इतनी सी बात है, जरा सी बात है, पर जरा सी बात में पूरी साधना है।
लोग कह देते हैं, कई लोग कहते हैं अच्छा, मैं समझ गया बिशु, ठीक है नाउ एंड ऑफ प्रैक्टिस। मैंने ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर आते हैं 3 महीने के बाद, कि हुआ नहीं। मैंने कहा यार तुम तो कह रहे थे समझ गए। तो धीरे धीरे और गहराई से, ये तुमने एक ही सूत्र आज पकड़ा है, तो हमारी जर्नी क्या है, साधना का क्या मतलब, उन सब को छोड़ते जाओ जो मैं नहीं हूं और उस तरफ बढ़ते जाओ कि जो मैं हूं। कैसे बढ़ना है, ध्यान देना है जो मैं नहीं हूं उसको छोड़ते जाना। कार ड्राइव करते हो ना भाई, तुम्हारा घर 16 नंबर है, एग्जाम्पल 10 किलोमीटर से आए, तुम अब गली में घुसे, तुमने देखा 10, 11, 12, 13 या 20, 25, 21, कहीं रुकते हो नहीं, क्यों नहीं रुकते हो, मैं नहीं हूं ये, उसको करना थोड़ा कुछ है, खाली ये जानना है मैं नहीं हूं, मेरा घर नहीं है ना, बस इतना ही तो जानना है। या तुम उठा के वो पड़ोसी को दरवाजा खटखटाओगे कि भाई तुमने अपना घर यहां पे क्यों खड़ा किया, भगा उसको। तो ये लोग करते हैं अक्सर, ये बड़ी पैनी बात है, लोग जो है फिर वही करते रहते हैं, शीर्षासन करने लग गए जी रामदेव बाबा का। तो जो बचा खुचा है समझ वो भी चली जाती, ये देखो। नहीं वो ठीक है शरीर के लिए, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि गलत है, पर यहां पे जब हम साधना की बात हम करते हैं कि साधना में हमें शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है, साधना में मन को शीर्षासन कराना है। मन चुप, मैं शरीर हूं चुप, मैं मन हूं चुप, मैं विचार हूं चुप, मैं दुख हूं चुप, तो जोर नहीं देना, बस एकदम चुप हो जाना है और ये समझिए कि मैं नहीं हूं, मैं सुख हूं चुप, ये हाँ चुप, बिल्कुल सुख हूं दुख हूं। तो जर्नी साधना की असली शुरुआत अब हो रही है, मैं बार बार ये कहूंगा, जब हम इससे बड़ी साधना करेंगे तब मैं कहूंगा असली साधना यही। तो जिसका जैसा स्तर है मैं उसी तरह से बात करता हूं। क्या मतलब हुआ साधना का, कि जो मैं नहीं हूं उसको जानता रहूं और उससे आगे बढ़ता रहूं। और वापस फिर हम इस बात पर अनुभव में ले जाएं कि क्या वो देखने वाला एक है लॉजिकली, क्या एक्सपीरियंस होता है, होता है, हम साधना में आगे बढ़ गए। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मेरा मन बाहर भाग रहा है। तो क्या कहते हैं, शब्द स्पर्शादयो वेद्या, शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्यात् पृथक, इस तरह से विभक्ता, ततो विभक्ता तत्संवित, एक रूपान एक रूपाय भिद्यते। बार बार ये कह रहा है गुरु कि वो जो एक है हम उसको नहीं जानते और हम असंख्य चीजों को बाहर जानते, कुछ नहीं होने वाला जब तक उस एक को नहीं जाने। देखो देखो, और उस एक को जान लिया, सबको जान लिया। देखो कितनी गहराई, एक को जान लिया, किसको जान लिया, जो अंदर बैठा हुआ है, किसके अंदर बैठा हुआ है, जो वेकिंग स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, जो स्लीपिंग स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, जो ड्रीम स्टेट के अंदर बैठा हुआ है, जो समीर एज ए हस्बैंड के अंदर बैठा हुआ है, जो समीर एज ए फादर के अंदर बैठा हुआ है, जो समीर एज ए बेटे के अंदर बैठा हुआ है, जो समीर एज ए दुकानदार के अंदर बैठा हुआ है, जो समीर ये शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जो मन के अंदर बैठा हुआ है, जो सांस के अंदर बैठा हुआ है,
जो बुद्धि के अंदर बैठा हुआ है, है तो वो एक ही, उसी को जानना है, उसी की साधना करनी। तो कहीं कुछ भी नहीं, कुछ देखा ड्राइव कर रहे हैं, असंख्य चीजें बाहर, हाँ है, अलग अलग हैं, है एकदम मन को ले जाना है। कहा ये है कौन, एक जो सबको देख रहा है, बताओ कौन देख रहा है। अभी इसी समय ये कहानी है, ये अभी तीसरा ही सूत्र हुआ है पंचदशी का, तो हम गहराई से इस पर मनन करना है। बहुत गहरा सूत्र है सर ये। हाँ बड़ी जबरदस्त चीज है सर ये तो। हाँ देखो मतलब